तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। हम अभी रूम में एंड आज है बनारस का सेकंड डे। आज मैं सुबह सुबह उठना था मंगला आरती के लिए, बट हम उठ ही नहीं पाए क्योंकि प्रशांत की शादी में हम लोग जस्ट एंड जस्ट 3 घंटे सोते हैं, तो भाई तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम उठ जाते टाइम से। दूसरी चीज़ ये कि मैं कल गया था, बता रहा था मंगला आरती जाऊँगा बात करने के लिए, मतलब काउंटर पर जहाँ पर टिकट्स मिलती हैं, तो उन्होंने कहा था कि पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ना मतलब 5 तारीख तक 10 तारीख तक दिसंबर तक बुक है। मैंने कहा मुझे कोई भी आरती मिले उसकी टिकट दे दो, पॉसिबल हो तो। कह रहे कि सर कोई भी अवेलेबल नहीं है। जब कोई अवेलेबल ही नहीं है तो फिर तो कोई यूज़ ही नहीं ना वहाँ पर पूछने का भी कुछ, तो इसलिए तो मैं सबको ही कहूँगा जो पहले यहाँ पर आते हैं जो भी लोग, वो पहले से ही बुक करा के आओ अपना, वो बेटर रहेगा ताकि आपको सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आते हो मंगला आरती में ही जाने का मुझे बेनिफिट लगता है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैंने वही अटेंड करी हमेशा ही। बाकी वो लोग कहते हैं 4 बजे दर्शन करने आ जाओ, मंगला आरती के जस्ट बाद नॉन पब्लिक को के लिए खोल देते हैं, तो अब तब भी शिवलिंग पे चल चढ़ा सकते हैं अपने हाथ से, खुद दर्शन कर सकते हैं हाथ लगा कर शिवलिंग को। बट वही है कि अब उठे नहीं सुबह से, क्या ही कर सकते हैं, कभी दोबारा नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे वो, ठीक है। तो बस अभी रेडी हो रहे हैं हम लोग, निकलते हैं, अभी दोबारा जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। देखते हैं अब आज कितने में लाइन है। कल 45 मिनट्स हमारा नंबर आया था, मतलब जब मैंने अंदर फ़ोन सबमिट करा था सेकेंड सिक्योरिटी के आसपास, तब से लेकर वापसी से फ़ोन लिया, 45 मिनट्स हो गए थे पूरे, तो इट्स गुड जल्दी नंबर आ गया था। मैं उम्मीद नहीं थी कि जल्दी नंबर आ जाएगा। फूल पंडित भी चले हैं, खूंखार पंडित। तो भाई चले हम लोग, अतुल भी तैयार हो गया पूरा कुर्ते पजामे में, मैं भी हो गया तैयार अपना, जैसे मैं तो धोती खैर पहनता ही रहता हूँ, तो दिखाता हूँ भाई कुर्ता धोती। क्रॉक्स का रीज़न ये है कि मेरे अभी भी पैर में फ्रैक्चर ही है, तो चलना तो चल, मेरे अभी पैर में फ्रैक्चर ही है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि भाई तो सूट के नीचे तुमने क्रॉक्स पहने हुए हैं, मतलब 3 पीस के नीचे क्रॉक्स पहने हुए हैं, इसके नीचे भी क्रॉक्स हैं, आई नो लोग पूछेंगे, तो उसका रीज़न ये भाई मेरे पैर में अभी भी एंकल फ्रैक्चर है, ठीक है। डॉक्टर है सेट कि मैं घूम सकता हूँ आराम से, बट ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं सकता, तो बस इसीलिए ही यही रीज़न है कि आई एम रोलिंग अराउंड। और मैं इसी फ्रैक्चर में गोवा भी घुमाया हूँ, गोवा कहना सॉरी दुबई भी घुमाया हूँ पूरा, ठीक है, और यहाँ भी पूरा घूम लिया हूँ, इससे पहले जौनपुर भी गया, सब कुछ। लोग कहते हैं ना कि कनौजा की लाइफ इतनी कूल है, इतनी चिल है, वो घूमता रहता है फिरता रहता है, तो भाई एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है। और उसके अलावा कॉस्ट एज इन की भाई मैं हाँ पैसों की बात ही कर रहा हूँ, पैसे बहुत खर्च होते हैं इन चीज़ों में घूमने फिरने में, तो पहला ये। दूसरा ये कि आप घूमते हो लोग नज़रों में आते हो, लोग नज़र भी लगाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपको थोड़ा मतलब हमेशा हर कोई आपका वेल विशर नहीं हो सकता ना, बहुत सारे ये भी होते हैं हेटर्स होते हैं, चिढ़ने वाले होते हैं बहुत सारे लोग, तो चल के रहती बस चीज़ें, प्राइस अबव ऑल, प्राइस अबव हेटर्स, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। यार गिरजाघर चौराहा और काशी शायद भंडार भी आगे आएगा, थोड़ा सा आगे जाके हो रहा, शायद अभी बंद है, हाँ अभी बंद है, अभी बंद है, अभी बंद है, यार काशी साल भंडार बंद है अभी। और यहाँ पर ना ये बैल आके रोज सुबह बैठता है ना भाई, ये बैल आके बैठते ना वाली शॉप है ना, यहाँ बैल आके बैठता रोज सुबह, तो इसलिए बैल वाली दुकान भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक शॉप थी ये रही केसरी आर्मी रेस्टोरेंट, ये वाली, यहाँ से मैंने लास्ट टाइम आइसक्रीम खाई थी, बड़ी सही सी, अब देखिए इसकी आइसक्रीम अच्छी होती है, ऑफिस भी खाएंगे, पर दोनों के गले ख़राब है अभी, है ना, और नाक बंद है क्योंकि कल हमें रात को एसी चला गया था 22-23 पे। विश्वनाथ गली के दर्शन है और यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ पर लोग आपको हाथ पकड़ पकड़ के बुलाएंगे, सेकंड जनपद है कि आओ आओ हमारे पास सामान रखवाओ, ये लोग पैसे नहीं लेते सामान रखवाने के, सिर्फ बोलते कि प्रसाद ले लो हमसे, प्रसाद स्टार्टिंग फ्रॉम 150-250 ऐसे होता है, तो बेटर है कि एक सरकारी वाला है रखवाने का, अगर आपको कुछ नहीं परचेज करना तो वो बेटर है कि आप गेट नंबर 4 के पास से वहाँ रखवा दो, आप वो भी कर सकते हो, बट ठीक है मुझे चाह सकते हो आगे रास्ते याद रखे हैं, बंदर है भाई ऊपर बंदर, लड़ रहे हैं कूद रहे हैं उधर फिर से दुकान गलियों में आ बैठे हैं। ओहो क्यों क्या बंदे तो हर गली में साड़ियाँ, यहाँ पर चीज़ें साड़ियाँ आर्टिफैक्ट्स सॉवनियर्स,
कल हमने यहीं पर ही अन्नपूर्णा भवन में खाना खाया था। हाँ यहाँ हमने खाना खाया था कल अन्नपूर्णा भवन में। नहीं खाना था वो, एक्चुअली वो खाना था, प्रसाद नहीं था वो, वो भोजनालय था, वो प्रॉपर खाना था, प्रसाद थोड़ा सा होता है। ऐसे अपना लंगर है बंगला साहिब में। हाँ तो ये लंगर नहीं बोलते ना, भोजनालय में भोजन बोलते हैं, भोजन करवाएंगे, वो अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ें वो बोलने का अलग है। अब ठीक है, मुझे बस कीचड़ पसंद नहीं है यहाँ पर, गलियों में ना पानी वानी भर जाता है, कीचड़ जाता है ना वो। पैर तो एक और चीज़ बांधी हुई है, ये दिक्कत है। कल हम अन्नपूर्णा मंदिर नहीं जा पाए थे, फिर आ जाएंगे। तो आंटी चलो नीडी को देना, पसंद है मुझे नीडी को दे देना चाहिए। भाई गेट नंबर 2 के पास भी एक टिकट काउंटर है, 4 के पास तो है ही मेन, वहाँ भीड़ होती है। 2 के पास अंदर मैं गया, फ़ोन अलाउड नहीं ऑफ कोर्स, मैं फटाफट गया। 300 की वीआईपी दर्शन वाला टिकट लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। वीआईपी दर्शन में क्या है कि आपको एक बंदा कंपनी करेगा, गेट नंबर 3 से आपको ले जाएंगे एंड आफ्टर दैट आपकी वीआईपी दर्शन होंगे विदाउट एनी लाइन। तब लाइन होती है बट छोटी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक दर्शन भाई लमसम बता रहा हूँ 4 गेट्स हैं, एक लाइन में कम से कम 300-400 ऊपर बंदा है एक गेट पे जो लाइन लगाए खड़ा है, और अंदर भी बहुत भीड़ है भाई। इसीलिए हम रात को आए थे, हमें दर्शन किए थे, बट वो प्रसाद पता नहीं हम कहाँ भूल गए, हमने दोबारा वैसे भी आना भी था प्रसाद चढ़ाने के लिए दिन में, और सुबह मंगला आरती थी, हम उसमें उठ ही नहीं पाए, तो चूँकि सोए बहुत ज़्यादा कम थे, तो बस अब जा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर जो जहाँ जिस गेट तक हम कल गए थे वहाँ से फ़ोन्स आके अलाउड हैं, बट बैग अलाउड नहीं है क्योंकि कैमरा था उसमें मेरे पास 360। तो बस आई एम हेडिंग टूवर्ड्स देयर एंड उसके बाद आगे दिखाता हूँ क्या है। जहाँ तक फ़ोन ले जा पाऊँगा, तो जहाँ तक अलाउड है फ़ोन ले जाना, वहाँ तक कि आपको सबको दर्शन कराऊँगा वीडियो में, क्या है क्या नहीं है सब कुछ बता दूँगा, एंड आफ्टर दैट तो फ़ोन जमा कराना पड़ेगा, फिर तो आपके खुद की श्रद्धा, आप खुद आओ दर्शन करो। जी रहा जहाँ कल रात गए थे, रात का व्यू तो अच्छा था ही था, दिन का व्यू भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ से सामने जाएंगे, फिर वही कॉरिडोर आ जाएगा ना, वहाँ गेट नंबर 3 है, देन वहाँ से हम दर्शन करेंगे। ये था गेट नंबर 1 जहाँ से हमने एंट्री किया, और यहाँ से दिखाता हूँ अमेजिंग व्यू। बता रहा था ना मैं, रात के व्यू तो अच्छा ही है, दिन के व्यू के मतलब अपने अलग ही दर्शन और अपने अलग ही मज़े हैं अनडाउटली। ये देखो लाइन लगी हुई है, दिखाता हूँ, ये सब श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, क्योंकि अंदर आरती हो रही है, यहाँ आरती मतलब भीड़ तो आई है, प्लस अंदर देखो मंदिर के बिल्कुल अंदर अंदर भी पूरी भीड़ और लाइन लगी हुई है। अभी वहाँ पर जाएंगे, यहाँ लॉकर इधर है, लॉकर उधर है, लॉकर उधर पीछे, बाकी जूते चप्पल को उतारने का है वहाँ दिखते हैं। ये रहा एक लॉकर, ठीक है, लाइन लगी हुई है, वो रहा गेट नंबर 3 जहाँ से दर्शन होने हैं हमारे वीआईपी वाले, एक लॉकर यहाँ भी है पूरे, ठीक है। तो ये लाइन है भाई मेन बंदों की, तो आगे जाने के लिए अंदर भी आरती हो रही है, इसलिए अभी रुका हुआ है 1 बजे तक सब कुछ। ये देख रहे हो लाइन, कल हम यहीं खड़े थे, कल हम इसी गेट से हम लोग घुसे थे, यहाँ हम यहाँ खड़े थे, तो 45 मिनट्स में दर्शन हो गए थे हमारे। गेट नंबर 4, 3, 2 हैं जो वो बहुत ज़्यादा भीड़ वाले होते हैं, क्योंकि वो मेन मार्केट की तरफ से आते हैं। यह है गेट नंबर 1 जो ये वाला द्वार है, तो गेट नंबर 1 से भीड़ इतनी नहीं होती, कम होती, क्योंकि ये मणिकर्णिका घाट की तरफ से आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप 4 की तरफ से आओ, तो साइड से होते हुए आप 1 की तरफ आ जाओ, एंड देन गेट नंबर 1 से ही एंट्री लो, यहाँ लाइन कंपैरिजन में कम होती है बाकी गेट्स के। कितनी क्यूट बच्ची है यार, कितनी ज़्यादा क्यूट बहुत ज़्यादा क्यूट। तो बाबा के दर्शन हो गए अब दोबारा, एंड मुझे तो वहीं बैठा दो, मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। तो फ़ोन अलाउड थे नहीं, फिर फ़ोन हमने बाहर आके दोबारा लिए, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची, एंड देन बिल्कुल बाहर आ गया, उसके बाद मैंने दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो बस बढ़िया था, अंदर गए वहाँ पर, पीछे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है जो कि बहुत पुराना है, बहुत मान्यता है इसकी, तो वहाँ जाके हमने वहाँ के भी दर्शन किए, उसके बाद हमने और भी मतलब पूरा घूमे फिरे बाहर आ गए। अन्नपूर्णा माता का व्रत चल रहा था 16 डेज का, तो आज उनका श्रृंगार था, इसलिए तो वो भी आज अच्छा था दर्शन करना, तो हमने आज उनके भी दर्शन कर लिया। क्या ये एक शॉट देने वाली, मुझे चाहिए थी एक। अरे इसकी बात कर रही तेरी मम्मी, सुन इसकी बात कर रही है।
ये आम की है चंदन की है? चंदन की ना, संदल की है, लकड़ी चाहिए। अभी यहाँ पर जो विश्वनाथ गली है मेन, घुसते ही राइट साइड में जाके डोसे वाला उसका मतलब इडली और वो खाई थी भाई, बहुत मिर्ची, बहुत एक्सेस मिर्ची। भाई यहाँ पर ट्रैफिक जाम तो कातिल वाले होते हैं, लोग कहीं से भी घुस जाते हैं क्योंकि गलियों में जाम लगता है। पर देखो मैंने खांसी क्यों आ रही किसी को, तो जलपान है यहाँ पर, आलू सब्जी पूरी सब खत्म हो रखी है, बट समोसे थे तो समोसे लिए हमने, यही ना बात भाई। वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मधुर जलपान पे खाया हमने जो कि वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी समोसा इस वाले ट्रिप का जो मैंने खाया होगा अभी, बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब हम भाग रहे हैं 80 की तरफ क्योंकि 80 घाट जाना है, वहाँ से हमें मतलब से मेहत से जाना है 80, तो उसी का वेट कर रहे हैं। भीड़ देखो भाई, ये तो मैं दस से का रास्ता है, हद से ज़्यादा भीड़ रखी है, हद से ज़्यादा। पैदल चलना भारी है, बाइक स्कूटर तो भैया हाथ ही जोड़ लो। दिखा रहा था मैं रात को कैसे समय दुकान, बड़े सुंदर लगा था, बहुत सुंदर है अभी, लास्ट टाइम आया था तो बन रहा था, पूरा बन चुका है। ओह घाट आ गया, घाट आ गया फाइनली। ना कबाब बैठे हैं भैया, कुछ नहीं पहनते लोग। गंगा माता का मंदिर होगा, गंगा मैया एट ऑल इट्स ग्लोरी। तो सारी तैयारियां अभी आरती के लिए शाम की, अभी से उन्होंने चेयर लगा दिया, ये सब नए नए चीज़ें होने लगी हैं, पहले कुछ नहीं होता था ये सब। ओहो वाह सेकुलरिज्म। यहाँ से नाव जाने में बहुत करे आने का नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है यहाँ पर, क्योंकि मतलब यहाँ से नाव में छोड़ने का जस्ट लेते हैं हार्डली 100 रुपीज़, मतलब बोल रहे हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं, 50 रुपये। और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अभी हम मतलब नॉर्मल रिक्शे में जाएंगे 80 तक, वो यूजली 15 रुपये लेते हैं, मैक्स 20 रुपये पर पर्सन, पर यहाँ कह रहा जी 100 रुपये से कम नहीं लेगा पूरा रिक्शा बुक करने का, ठीक है। यहाँ पर एक लोकल अंकल मिले, वो बता रहे थे कि उन्होंने हाँ बहुत बुरे हाल कर रखे हैं, अब पहले इतना नहीं होता था, बट कोई नहीं, देखते हैं। कितने बजे जा रहे हैं अंकल? हमें सब्र करना चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए और आराम से, मतलब ज़्यादा नहीं खर्चा चाहिए पैसा फालतू का, ठीक है। लोग तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, बट भैया बिल्कुल सही लगा रहे हैं। बोट में तो भाई लूट मचा रखी है, लूट पर बंदा 100। हाँ वो भी हरिश्चंद्र घाट, वहाँ से कम 2 किलोमीटर और है घाट घाट से ही, ठीक है। दो तो नहीं, एक तो कहीं नहीं जा, ठीक है, घाट घाट पूरा, वो भी दूरी है तो बहुत पास नहीं है। तो भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इतना लालच क्यों रखा है इतना, कि टूरिस्ट दिखा तो भाई उनको मतलब काट लो, अच्छी तरह काट लो, वापस आए ना बंदा। मुझे अच्छी तरह याद है मैं पिछली बार 50 में गया था पर पर्सन, हम दो लोग थे तो हम पर पर्सन 50 में गए थे भाई आराम से, मतलब वापसी में गए भी थे और आए भी थे। प्राइवेट नाव भी की थी, वो अप्रॉक्सीमेटली 400-500 की थी। आज मुझे प्राइवेट नाव का 1500 रुपये प्राइवेट नाव का भाई, मतलब हद ही मचा रही यार। अब कोई नया बंदा आएगा, अब बंदे कहेगा कि भाई बंदा रेस्टलेस है, फटाफट चलो ये भाई वो, तो बंदा खर्चेगा पैसे आराम से खर्चेगा क्या। अरे चलो ना आगे तक जाते हैं।